ईशा अंबानी ने शादी के दिन प्रियंका चोपड़ा को किया कॉपी। इस एक चीज की वजह से लगी शहजादी जैसी खूबसूरत। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अब भी रामल परिवार की बहू बन चुकी हैं। यह शाही शादी मुंबई स्थित अंबानी के घर इंटीलिया में धूमधाम से हुई, जिसमें नामी देसी और विदेशी मेहमान शामिल हुए। दुल्हन के लिबास में ईशा बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, वहीं आनंद भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। ईशा और आनंद की जोड़ी इतनी शानदार लग रही थी कि शायद ही वहां मौजूद लोगों में से किसी की नज़र उन पर से हटी हो। ईशा और आनंद दोनों ने कलर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट पहने थे। ईशा ने गोल्डन कलर का लहंगा पहना था, जिसमें सी ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। सिर से लेकर पैरों तक वे भारी गहनों से लदी हुई थी। आनंद पीरामल भी गोल्डन कलर की शेरवानी में नजर आए। उनकी शेरवानी पर भी सेम टू सेम ईशा के लहंगे जैसा वर्क हो रखा था। साथ ही उन्होंने गोल्डन साफा कैरी कर रखा था, जिस पर कुंदन कलगी लगी थी, जो उन्हें रॉयल लुक दे रही थी। शादी के जोड़े में ईशा बिल्कुल शाही घराने की राजकुमारी नजर आ रही थी, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपने वेडिंग ड्रेस में प्रियंका की तरह खूबसूरत बेल कैरी किया हुआ था। जैसे क्रिश्चियन वेडिंग में प्रियंका ने अपने सिर पर जो खूबसूरत वेल लगा रखी थी, ठीक वैसे ही ईशा ने भी अपने लहंगे के साथ खूबसूरत व्हाइट वेल कैरी किया हुआ था। बता दें, शादी में प्रियंका ने जो वेल लगा रखी थी वह 75 फुट लंबी थी, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हर तरफ हो रही थी। लोगों ने प्रियंका के इस लुक की काफी तारीफ की थी। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पर उन्हें ट्रोल किया था। किसी यूजर ने प्रियंका के गाउन को क्रिकेट पिच का कवर बताया था, तो कोई मच्छरदानी कह रहा था।